तो आज का वीडियो है पक्की दोस्ती पे, और ये है बबली दीदी, जिनको तो आप ऑफकोर्स जानते ही होंगे, जो मेरी क्या बनी आज बेस्ट फ्रेंड। तो जल्दी से पक्की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करें, क्योंकि बहुत मजेदार वीडियो आने वाला है। क्या है मम्मा, ये कितनी दाल कितनी फीकी है। आप ना अनुपमा तो पूरे दिन देखती रहती हो और रसोड़े में कौनता है देखती रहती हो, पर जब आपको रसोड़े में जाना होता है आप जाती नहीं हो। थोड़ी नमक और थोड़ा वो मिर्ची तो डालो। मोबाइल में से निकलो तब तो पता चले कि रोटी दाल में डाल रही हो या पानी में डाल रही हो। अरे आओ सनाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आंटी इसका ऐसा ही है, करती कुछ और ध्यान कहीं और ही होता है। कैसी है? अच्छी हूँ, तेरा कैसा आना हुआ? बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे आंटी पढ़ाई का क्या है, चलते चलते पढ़ाई इतनी आगे निकल गई है कि मैं ठहरी लगी, पढ़ाई आगे चलने लगी। ये अच्छा था। कितनी खुशबू आ रही है, क्या रखा है आंटी ने? पालक पनीर, तेरे फेवरेट। एक काम कर, मैं ही खाती और तू ये खा ले। ठीक है, वैसे मुझे आंटी की याद का खाना ज्यादा पसंद है। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं बना? अरे आंटी पसंद कैसे नहीं आएगा, आपने बनाया है अच्छा ही होगा। हाँ हाँ तू एक काम कर, मेरी मम्मी को ले जा। हाँ वैसे भी मुझे आंटी बहुत पसंद है। हाँ मेरे को भी तेरी मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है, आंटी कितना अच्छा खाना बनाती है। काम करते हैं ना, लंच छोड़, हम दोनों ना मम्मी एक्सचेंज कर लेते हैं। नहीं का क्यों आंटी, देना भार मोबाइल से फुर्सत मिले जब तो कुछ देखोगी। नहीं आपने डांटना शुरू कर दिया ना आपने, अगर आप नहीं चाहते मैं फोन देते वक्त खाना खाओ। एक काम करो, मैं खाना ही नहीं खाती। मत खाओ, बिल्कुल नहीं खाना। बड़ी दुविधा थी, दोस्त को समझाती या माँ को। फिर सोचा हटाओ यार, खाने पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये सब तो फिल्मों की बातें, अभी दोस्त इम्पोर्टेंट है। क्या हुआ तुझे? यार मम्मी ने सारा मूड खराब कर दिया। अरे बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए, मूड ठीक करने के लिए। तो भैया एक आइसक्रीम देना। मार के चली गई। ओ भैया आपको मार दिया। अरे आप उसके पीछे जाओ ना, आप चिंता मत करो, मैं हूँ, आपके ठेले की रक्षा मैं करूँगी। अरे तो वो बात हो गई, दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को ही छोड़ दिया। यार जो चोरी के आइसक्रीम खाने का मजा है ना, वो कुछ और ही है। हाँ जो कि मैंने की थी, और मजे सिर्फ तू ले रही है। तो किसने कहा था कि एक उठाने को दो उठाती ना? हाँ तो एथिक्स नाम की भी कोई चीज होती है, और वैसे भी हम दोनों ने साथ में डिसाइड किया था कि जो भी करेंगे साथ में करेंगे, शेयर करके करेंगे। अच्छा अब ना डिसीजन में रिग्रेट कर रही हूँ, चल ले ले। अब चल पूरा पैकेट खाएगी क्या, कल स्कूल में भी मिलना है, चल। यार एक काम करते हैं, साथ में स्विंग करते हैं। हाँ चल। तुम दोनों को क्या बीमारी है, हमेशा एक साथ चिपके रहते हो। तेरे पेट में कीड़े क्यों बिलबिला रहे हैं? मुझे तुम दोनों से दिक्कत नहीं है, तुम दोनों की फेक दोस्ती से दिक्कत है। हमें पता है कि कौन फेक है और कौन रियल। जय जय रे नली में मुंह धो के अरे 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 अरे। इन दोनों सीता गीता का तो कुछ करना ही पड़ेगा, हर वक्त अपने आप से मतलब रखती हैं, अकेले खेलती रहती हैं। इन दोनों की दोस्ती ना तोड़ी तो मेरे नाम भी रिया नहीं। हमारी भी दोस्ती कितनी कमाल है ना, बस लाइफ में एक सच्चा दोस्त मिल जाए और लाइफ सेट है। हाँ अब देख ले, शुरू में हम दोनों का कितना झगड़ा हो रहा था और आज हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। चल घंटी बज गई, पीटी पीरियड ओवर है। अच्छा 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 चल 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 चल। ऐसा क्या करूं कि इनकी दोस्ती में दरार आ जाए और फेविकॉल भी उसे बचा ना पाए। नेक्स्ट पीरियड में साइंस का एग्जाम है, अनंत्या ने तो कुछ पढ़ा नहीं होगा। अनंत्या की बुक शनाया के बैग में डाल देती हूँ, शनाया पे सारा शक चला जाएगा।
अब देखते हैं बच्चों कैसे बचती हमारी दोस्ती। यार एक मिनट, अब अगला पीरियड साइंस है, अब वो डबल डूब लिया हमारा साइंस टेस्ट लेगी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, जैसे तू है वैसे मैं हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा, हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। चल चल जो होगा। अरे हाँ मैं कहती कल ना तू वो लाई दे। अरे हाँ चलो अब टेस्ट की रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी। टेस्ट शाबाश, अब बल्ले बल्ले शाबाश। क्या हो गया, ठंडी लग रही है क्या? नहीं यार, टेस्ट के नाम से ना मुझे सुसु आ जाता है, मैं क्यों कराई? मेरे लिए मैं कर लियो। हाँ ठीक है। मेरी साइंस की बुक है, मैथ की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है। मैं तो सुबह सबसे पहले अपनी साइंस की बुक ही रखी थी। नहीं मिलेगी। देर से किसी ने पूछा? देख लियो, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी बे? क्या तू जग्गा जासूस है, शर्लॉक होम्स है? मैं पक्का कह सकती हूँ, वो तेरी कोई दोस्त नहीं है, चोर नहीं है। वो मेरी चलाया है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कितना फील हो रहा है। लेकिन मैं ना घर पे कंप्लेन करने वाली हूँ, यार कितना गंदा वॉशरूम रखते हैं ये लोग। एक मिनट, तुझे क्या हुआ, शक्ल पे 12 क्यों बजा रखे हैं तूने? वो मेरी ना साइंस की बुक नहीं मिल रही है, और मैं पक्का करते आज सुबह लेके आई थी। अरे ठीक से देख, तेरे बैग में ही हो। सुन पूछे ना तो बता दियो, 3:05 के ना देख लियो, चल जाओ। तूने पढ़ा है? अगर वो पीछे से पूछे ना तो बता दियो। MCQs बन रहे हैं, वन वर्ड बन रहे हैं, शॉर्ट आंसर्स बन रहे हैं, ये डायग्राम इतने मुश्किल क्यों है? मेरे तो सारे बन रहे हैं। क्यों, ये सब हमारी बुक से है? मैम क्वेश्चन पेपर आउट ऑफ सिलेबस है। कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, चुपचाप टेस्ट दो। ए सेक्शन सी दिखाना, देखना। अभी भी नहीं दिख रहा। वाह कितनी गोद में आके बैठो क्या? अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, बैठ जा। यार हार्ट का डायग्राम बिल्कुल नहीं आ रहा है, इससे पूछना। इसके पास तो हार्ट ही नहीं है, इससे क्या पूछूंगी। एक काम करते हैं, सुन तू मेरी आंख का बना दे, मैं तेरे हार्ट का बना देती हूं। क्या है मैम, ये दोनों चीटिंग कर रहे हैं। मैम ये हम दोनों की दोस्ती से जलती है। मैम मैम मैं स्वयं इन दोनों ने चीटिंग की है। हमने चीटिंग नहीं की है। की है? नहीं की है। ये जैसे तू भैंस की आग बना रही है ना, बिल्कुल वैसी तेरी आंखें हैं, अच्छे से देख, हमने नहीं की है। तूने तो डायग्राम बनाया भी नहीं है, मैंने तुझसे अच्छा डायग्राम बनाया है। ओ चुप हो जा, जितनी खुद के घर शीशे के होते हैं ना वो वॉशरूम में नहाते हैं, अपना काम कर। मैम मेरी बात मानो, इन दोनों ने चीटिंग की है। तो अपनी पेपर में देखना, ना तुम चीटिंग कर रही हो ना तुम चीटिंग कर रही हो। एग्जाम लिखो, अपना टाइम दीजिए। और रिया तुम खड़ी हो जाओ। अरे मैम मैंने क्या किया? तुमने की है चौकीदारी, अपना पेपर तो तुम कर नहीं रही हो, इधर उधर ध्यान दे रही हो। लाओ पेपर दो अपना, तुम क्लास से आओ। वो आउट ऑफ द क्लास। अरे सुन कीचड़ पे अगर पत्थर मारोगे तो चींटे भी तुम्हारे ही मुंह पे आएंगे। यार ये प्लान भी फेल हो गया, पानी सर से ऊपर जा रहा है। इन दोनों की दोस्ती तोड़ने के लिए कोई नई तरकीब भी लगानी पड़ेगी। हाँ ये ऑयल अनंत्या और शनाया की दोस्ती को कर देगा स्पॉइल।
क्लास में कोई भी नहीं है, यही सही मौका है। यार मैम आ गई होंगी ना। वो ही एक मिनट, नोटिस बोर्ड में क्या लिखा है? अरे क्या करना है, मैम बता ही देंगी जो लिखा होगा। चल चल। अरे मैं तुम दोनों को ही ढूंढ रही थी। क्यों? शनाया तुम्हें ना रूबी मैम बुला रही है टीचर्स रूम में। तूने कल असाइनमेंट नहीं दिया था ना, मैंने बोला था कर ले रात को बैठ के। अब देख अब तेरे को डांट पड़ेगी। चल मैं भी चलती हूँ। एक सेकेंड अनन्या, तुम कहाँ जा रही हो? क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी चुगली कर दी, इसलिए तेरा कोई दोस्त नहीं है। चल अब तेरे को तो बाद में देख लूंगी। अब आएगा ना मजा। वैसे भी मैंने ऑयल की बॉटल शनाया के बैग में पहले से ही रख दिया। अब गिरेगी अनन्या और फंसेगी शनाया। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, आपने मेरे को बुलाया? नो नो नॉट एट ऑल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। अरे अनन्या यार, ये रिया कितना झूठ बोलती है। वही तो, मेरे को प्रिंसिपल मैम ने कुछ नहीं बुलाया था। और ना ही मुझे जूही मैम ने बुलाया था। आप तो इस रिया की बच्ची को छोड़ेंगे नहीं, आप तो हद पार हो गई यार। सही बोल रही है तू। चल लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगर तू नाले में कूदेगी तो मैं भी नाले में कूदूंगी। यार बकवास मत कर, सीधे सीधे बता क्या हुआ। तुझे याद है हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि सुख दुख सब में साथ रहेंगे, तो तुझे लगी तो मेरे को लगी। शनाया तुम्हारी जिसने तो हालत की है ना, एक बार बस मुझे मिल जाए। मैम मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। शनाया का हाथ मेरे वजह से टूटा है, मैंने जानबूझ के तेल गिराया था क्योंकि मैं चाहती थी कि अनन्या गिर जाए और शनाया पे इल्जाम लग जाए। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? अगर कुछ हो जाता तो रिया, तुम्हें पता है इस बात के लिए तुम्हें सस्पेंड भी करवा सकती हूँ। मैम क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? हाँ बोलो अनन्या। मैम मेरे को लगता है कि रिया को उसकी गलती हो गई है रियलाइज, क्योंकि उसने ये कन्फेशन किया है, तो आप प्लीज उसको इस बार छोड़ दो। आपको पता मेरी मम्मी हमेशा क्या कहती है कि जब किसी को उसकी गलती रियलाइज हो जाए ना तो माफ कर देना चाहिए। यस मैम अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। तो मैम एक चांस तो मिलना चाहिए ना मेरी फ्रेंड रिया को। ठीक है, एक बार बोल रही हूँ, नेक्स्ट टाइम केयरफुल। पर शनाया तू मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी और मैं तेरे लिए जान भी दे सकती हूँ, बस मांगियो मत। और इसके बाद अनन्या शनाया और रिया तीनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। तो ये एक्चुअली में लगी है तो उतार दो। हाँ। तो ये थी हमारी पक्की दोस्ती और आप लोगों का भी बेस्ट फ्रेंड होगा, तो जल्दी से इसके लिए वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वो रेड बटन है तो उसको क्लिक कर दो। और अपने अब बस अब मैं बोल लेती हूँ, तो अनन्या का इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहीं कहीं आसपास में ना मेरा भी लिंक मिल जाएगा, तो मुझे भी कर लेना। हाँ ठीक है, तो मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।